हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग वैद्युत रसायन जो लेसन चल रहा है, इस लेसन के अगले टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इस लेसन की एक वीडियो बन चुकी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड। बच्चों, इलेक्ट्रोड क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड, बेटा इंग्लिश में भी इलेक्ट्रोड वर्ड है और हिंदी में भी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का एक और नाम भी है, उस इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे बनता है इलेक्ट्रोड, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बेस इस परिभाषा को समझाता हूं। देखिए बच्चों, हम एक पात्र ले रहे हैं, एक पात्र ये और एक पात्र ये, समझते जाएंगे बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा। इस मतलब हमको अब ये समझ लीजिए, जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना है, जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हम कोई धातु लेते हैं। माना मुझे कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हमने लिया कॉपर का परमाणु, हमने लिया जिंक का परमाणु। बेटा, इस जिंक के और इस कॉपर के परमाणु को हम प्रेशर करके या किसी भी विधि के द्वारा एक छड़ की आकृति में बदल लेते हैं। अब ये कॉपर की जो छड़ है बच्चों, ये कॉपर जो है अब ये छड़ का रूप ले चुका है। ये इसी प्रकार जिंक को भी हमने किसी विधि के द्वारा एक छड़ के रूप में बदल दिया है। अभी ये इलेक्ट्रोड नहीं बना है, अभी ये खाली छड़ है। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है, मान लो हमें इस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है, जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है उस धातु को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबोना है। तो मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो कॉपर के ही लवणीय विलयन में हमें कॉपर की धातु डुबो देना है। तो अर्थात कॉपर सल्फेट के विलयन में आपको इसे डुबो देना है। देखिए, कॉपर सल्फेट एक लवण है जो कॉपर से ही मिलकर के बना है। तो जैसे ही आप कॉपर की इस धातु की छड़ को विलयन में डुबोते हो तो इस छड़ पर एक आवेश पैदा हो जाता है, एक आवेश पैदा हो जाता है। इसे ही यानी उसी उपकरण को या इसी छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी प्रकार जिंक, जिंक की आपने धातु ली है तो अब जिंक की धातु को जिंक के लवणीय विलयन में डुबोएंगे, अर्थात जिंक सल्फेट में डुबो दें। तो बच्चों, ये जिंक सल्फेट का विलयन भरा है, तो जैसे ये प्लस है वैसे वो एक, मान लीजिए वो माइनस, उसको दिखा दीजिए, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस 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 माइनस। तो ये माइनस इलेक्ट्रोड कब बना, प्लस कब बना, वो निर्भर करता है प्रेशर पर, दाब पर। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इलेक्ट्रोड पर आवेश की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल ना घबराए। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं परिभाषा, फाइनली देखिए, जब किसी धातु के टुकड़ों का या धातु की रॉड का या धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो उस धातु की छड़ को उसी के लवणीय विलयन में डुबो दिया जाता है, फलतः उस उपकरण में या उस छड़ में एक आवेश पैदा हो जाता है और इलेक्ट्रोड बन जाता है। धातुओं पर आने वाला आवेश दो रूप में हो सकता है, वो या तो प्लस रूप में होगा या तो माइनस रूप में होगा। अर्थात आवेशों की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो सकते हैं, आवेशों की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोड है बच्चों कैथोड और दूसरा है एनोड। बच्चों जनरली तौर पर अगर कैथोड बोल दिया तो आपके दिमाग पर एक इमेज बनती है कि भैया कैथोड बोल दिया है तो इसका मतलब ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। बस बच्चों इतना तो ठीक है, आपको इतनी जानकारी है कि भैया कैथोड में या कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है उनमें हमेशा ऋण है और एनोड में हमेशा
प्लस है, ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ जाने बच्चों। कैथोड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है बच्चों वहां पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। इसी प्रकार एनोड में क्या है, प्लस, प्लस का मतलब होता है जाना, किसका, इलेक्ट्रॉनों का जाना, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, निकलते हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों रिडक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है, किसी अभिक्रिया में जब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वो अपचयन है, किसी अभिक्रिया में परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वह ऑक्सीकरण है। और बच्चों जिस रासायनिक अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, ऐसे रिएक्शन को बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रोड के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों अब हम लोग इलेक्ट्रोड विभव, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, इसका कंप्लीट टॉपिक यहां पर कवर करने वाले हैं। बच्चों इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ई से। कैसे इलेक्ट्रोड विभव की आप परिभाषा जानेंगे, ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले एक पात्र, उसी तरह सेम प्रोसेस, एक पात्र बना लीजिए, उस पात्र में जिस धातु का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है उस धातु को लीजिए तथा उसी धातु के लवणीय विलयन में उसे डुबो दीजिए। ये भैया डूब गया, डूब गया। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप कि जब किसी धातु के टुकड़े को, ध्यान से सुने, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हो रही है, जब किसी धातु के टुकड़े को उसी के लवणीय विलयन में डुबोया जाता है तो क्षण पर, ये क्षण पर एक विभव पैदा हो जाता है, एक विभव आ जाता है, विभव का मतलब वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, एक विभव पैदा हो जाता है और उसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मैंने आपको परिभाषा बता दी। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चों ये जो इलेक्ट्रोड विभव है, जो इलेक्ट्रोड विभव बन रहा है, ठीक है, ये किन किन कारकों पर, किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, तो मैं यहां पर आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों इलेक्ट्रोड विभव किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, तो पहला मैं आपको बताता हूं बच्चों, धातु की प्रकृति पर। ये जो इलेक्ट्रोड बन रहा है, इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। बच्चों इलेक्ट्रोड विभव की अपनी एक अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास धातुएं हैं, ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि हमारे पास धातु तो एक प्रकार की है नहीं, कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील है, कुछ धातुएं मध्यम क्रियाशील है और कुछ निम्न क्रियाशील है, तो अलग अलग धातुएं हैं, तो भैया अलग अलग धातुएं हैं, तो जब अलग अलग धातु का इलेक्ट्रोड बनाओगे तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी अलग अलग आएगा। ठीक है, फिर दूसरा है बच्चों विलयन की सांद्रता। बच्चों इनमें जो आपने ये विलयन भरा है, मान लीजिए ये कॉपर की रॉड है तो ये विलयन कॉपर सल्फेट है, तो भैया आपने जो कॉपर सल्फेट लिया है, ठीक है, तो जो विलयन है उसकी सांद्रता जो है बच्चों वो भी किसी इलेक्ट्रोड के विभव को प्रभावित करती है, बदलती रहती है। सांद्रता अधिक हुई या कम हुई विलयन की, तो निश्चित है इलेक्ट्रोड के विभव के मान में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चों तीसरा पॉइंट आप देखें, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, इस पे धातु की प्रकृति पर निर्भर हो गया आपका,
साथ ही साथ विलयन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और बच्चों हाँ, ताप व दाब पर, ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। बच्चों हमें पता है कि ये जो विलयन भरा है, हो सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा हो, तो अगर अलग अलग टेम्परेचर पर ये विलयन होगा ना, तो निश्चित है इलेक्ट्रोड विभव भी अलग अलग होगा। उसी प्रकार इस विलयन पर एक दाब लग रहा है, एक एटीएम का वायुमंडल में रखा है तो एक एटीएम का दाब लग रहा है। दाब में अगर बढ़ोतरी करते हैं वायुमंडलीय दाब में, या तो कमी करते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव के मान में भी परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार चौथा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। बच्चों विद्युत अपघट्य की प्रकृति जो है, विद्युत अपघट्य जो है, जो विद्युत अपघट्य वो है जो आयनों में टूट जाता है। तो ये जो कॉपर, अगर ये कॉपर की रॉड है तो ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक विद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पर आप जो भी विद्युत अपघट्य रखेंगे, तो अगर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य है तो वो इलेक्ट्रोड विभव भी भिन्न भिन्न जनरेट करेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये है आपका इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये बातें मैंने की। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रोड विभव आ जाता है, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आखिर ये इलेक्ट्रोड विभव कैसे होता है, तो बच्चों मैं हेडिंग बना रहा हूं इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या। जी हाँ, हम लोग इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे। इस उत्पत्ति की व्याख्या नेर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने, इस उत्पत्ति मतलब जो इलेक्ट्रोड पर विभव पैदा होता है, इस ये विभव पैदा कैसे होता है, किन किन दाब से, या कौन कौन सा दाब, कैसे कैसे दाब उस पर लगता है, और कैसे विभव आ जाता है, इसकी व्याख्या नेर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, कैसे किया था मैं आपको समझाता हूं। अब इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हमारे पास एक पात्र और ये हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है, समझते जाएंगे बच्चों। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा ये कोई धातु। अब धातु है तो धातुएं क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। विलयन है, विलयन वैद्युत अपघट्य है, आयन में ये भी उपस्थित है, धन आवेश इनमें भी है, समझते जाएंगे। तो बच्चों हो क्या रहा है वो देखें, इनमें धातुएं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है, वो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती जाएगी और एम पॉजिटिव में बदलती जाएगी। एम पॉजिटिव का मतलब मेटल, धातु धनायन बनाती जा रही। तो ये जो धातुएं है ना बच्चों, इस इलेक्ट्रोड की सतह पर एक दाब लगाएंगे कि भैया मुझको बाहर जाने दो, मैं बाहर निकल के इसमें जाना चाहता हूं। अगर इस धातु के अंदर की जो, ये जो धातु के अंदर के जो ये धात्विक धनायन है, इनके द्वारा लगाया जाने वाला दाब अगर इस विलयन में उपस्थित धनायनों के दाब से अधिक हो जाए, तो बच्चों ये पूरे धनायन यहां से निकलकर कहां आने लगेंगे, विलयन में आ जाएंगे। तो भैया धातु धनायन बनाई है तो निश्चित है ऋणायन भी बनाई होगी, इलेक्ट्रॉन मुक्त की होगी, तो इसमें खाली क्या रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक प्रचुर मात्रा में एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का एक कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है, और एम पॉजिटिव जो है अधिक दाब होने के कारण ये सतह से होकर विलयन में चला जाता है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऋण का आवेश बनता है। बच्चों फलता हमारा इलेक्ट्रोड जो हो गया वो कौन सा बन गया, कैथोड बन गया, अर्थात ऋण आवेश बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आप समझिए कि बच्चों मैंने कहा अब ये भी तो आयनों में है, यहाँ पे भी धन आवेश है, और अगर इस विलयन का धनावेश अधिक हो गया धातु के अंदर के धनावेशों से, अगर इनका दाब अधिक हो गया, तो यहाँ के जो धनावेश है ना बच्चों, ये सतह से होते हुए अंदर आते जाएंगे, धनावेश की संख्या बढ़ती जाएगी और धनावेश की प्रचुरता बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ धनावेश अधिक होने के कारण बच्चों ये इलेक्ट्रोड फिर कैसा बन सकता है, एनोड बन सकता है, अर्थात धनावेश बन सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास कब कौन कैथोड और एनोड बन जाता है, एक छोटी सी बात मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसी क्रम में आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार।
इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। बच्चों इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का है, पहला है ऑक्सीकरण विभव और बच्चों दूसरा है अपचयन विभव। ठीक है, इनमें क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव में क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो भी हमारे पास रॉड या जो भी धातुएं हैं उनमें जो M है, ये M, ठीक है, जो धातु की रॉड है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, लूज कर देती है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देती है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालती है और धनायन बना लेती है। ठीक है, इसी के विपरीत अपचयन विभव में जो धातु का टुकड़ा है ना, जो M पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपनी मूल अवस्था M में बदलता है। मतलब ऑक्सीकरण विभव में क्या है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, धनावेश। उसी प्रकार अपचयन में क्या होता है, जो धात्विक सिरा है या यूँ समझ लीजिए कोई भी मेटल, अगर ये पॉजिटिव में नहीं है तो भी मान लीजिए कोई भी हमारे पास एटम है, कोई भी एटम है, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो फिर वो क्या बना लेगा, ऋणायन बना लेगा। और अगर पहले से कोई हमारे पास मेटल जो धनायन बना रखी है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी तो अपनी नॉर्मल अवस्था पर आ जाएगी। ठीक है, ये था इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव तो हम लोगों ने देखा, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग ई नॉट से दर्शाते हैं, मानक हटा दें तो इलेक्ट्रोड विभव बचेगा, और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा मैंने पढ़ा दी, मानक भर शब्द जोड़ दिया है तो मानक भर थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ है, बाकी परिभाषा वैसी है। मानक का मतलब है स्टैंडर्ड, ठीक है, एक विशेष परिस्थिति में इलेक्ट्रोड विभव बनाना है, तो विशेष परिस्थिति क्या है बच्चों मैं आपको बताता हूँ, विलयन जो भरा होगा उसकी जो सांद्रता कंसंट्रेशन होगी वो एक मोल मोलर की होगी, यानी एक मोल प्रति लीटर की होनी चाहिए, तथा साथ ही साथ हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, तथा इसके साथ ही साथ बच्चों हमारे पास जो वायुमंडलीय दाब या जो प्रेशर लग रहा है वो 1 ATM का होना चाहिए। इतनी कंडीशन यदि आप किसी जगह पर रख रहे हैं तो निश्चित है आप मानक इलेक्ट्रोड विभव बना पा रहे हो, अगर ये कंडीशन नहीं है तो खाली वो इलेक्ट्रोड विभव। जैसे अब हम लोग एक कॉपर का रॉड ले लिए और इस कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डुबो दिए, ध्यान रहे अगर इस विलयन का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी सांद्रता 1 मोलर है और इस पे लगने वाला दाब 1 ATM का है, तो ये जो इलेक्ट्रोड बनेगा इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो कैसे होगी परिभाषा वो सुनिए, जब किसी धातु की छड़ को पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड कॉमा विलयन की सांद्रता 1 मोलर तथा उस पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब 1, ठीक है, तो फिर से सुने एक बार और डेफिनेशन चेंज करता हूँ, कि जब किसी विलयन में किसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है तो धातु तथा उसी के बने विलयन में यदि विलयन की सांद्रता 1 मोलर है, लगने वाला या उस पर उपस्थित या विलयन में पाया जाने वाला ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा लगने वाला दाब 1 वायुमंडलीय दाब है, तो इस परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड पर एक विभव धातु पर एक विभव पैदा हो जाता है और उसी विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद एक बात आपको मैंने पीछे बताई थी, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, मैं एक बात आपको एक नोट बताता हूँ बच्चों, मजेदार बात है, ये जो ऑक्सीकरण विभव है ना और अपचयन विभव, इनकी संख्या सदैव समान होती है, सदैव समान है। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो ऑक्सीकरण है अगर वो 10 इलेक्ट्रॉनों से हुआ है, ऑक्सीकरण 10 इलेक्ट्रॉनों से हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो जो अपचयन विभव होगा ना वो 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से होगा, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, अगर निकले हैं तो काहे में चला जाएगा बच्चों, प्लस में, ग्रहण है तो माइनस में, समझ गए, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की संख्या समान होती है। ठीक है,
तो अब देखिए बच्चों, इसी क्रम में एक आगे बहुत अच्छी हेडिंग है जो एग्जाम में पूछता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में एस एच ई भी कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? तो बच्चों इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब ये बातें पता चल चुकी थी वैज्ञानिकों को कि भैया हम किसी धातु के टुकड़े को उसी के लवणीय विलयन में जब डुबो देते हैं तो इलेक्ट्रोड पर एक आवेश आ जाता है, विभव पैदा हो जाता है, सबको पता चल गया। तो अब उनको ये पता चल गया कि भैया इसको डाला धातु को उसी के लवणीय विलयन में तो इस पर एक विभव पैदा हो गया। अब वो विभव का मान कितना है, उस विभव के मान को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। मैं आपको बता देता हूं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू है वो जीरो है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे काम करता है वो देखते हैं। इसके लिए बच्चों आपको करना क्या है, एक पात्र लेंगे और इस पात्र में HCl का जलीय विलयन लेंगे, उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, एक मोलर, मानक लगा है, मानक परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। इसी ये इस विलयन पर फिर क्या डुबोना है आपको, एक कांच की नली डुबो देना है। और जब आप कांच की नली को डुबोगे, ठीक है, तो कांच की नली पे एक छिद्र बनाओगे कि ताकि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ सके, वो भी कितने प्रेशर की, एक एटीएम की। इस नली के अंदर आपको प्लैटिनम की एक धातु लगा देनी है। बच्चों ये प्लैटिनम की एक तार है और नीचे जो ये मैंने लगा दिया है, एक आकृति बनाई है, ये देखिए चौकोर एक आकृति बनाई है, ये प्लैटिनम की ही एक प्लेट है, ठीक है, सब प्लैटिनम का है। तो सबसे पहला मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपके दिमाग में आया कि सब प्लैटिनम क्यों लगाया गया, प्लैटिनम बहुत महंगी धातु है, सोना चांदी से बहुत महंगी है, तो इतनी महंगी धातु लगाने की क्या जरूरत थी, क्या इससे सस्ती कॉपर जिंक में काम नहीं चल सकता था? तो नहीं चल सकता था बेटा, क्योंकि प्लैटिनम सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि प्लैटिनम में अधिशोषण की क्षमता होती है, वो हाइड्रोजन को अपनी सतह पर अधिशोष कर लेती है, चिपका लेती है, ऊपर बैठा लेती है, इसलिए यहाँ पर प्लैटिनम की राड ली गई, क्योंकि हमको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है ना, तो हाइड्रोजन को कैसे रोक कर रखें, कैसे स्थाई करें, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लैटिनम का राड लगाया। समझ रहे बच्चों? तो क्या देख रहे हैं, संरचना देखिए, एक पात्र लेते हैं, एक पात्र में HCl का जलीय विलयन लेते हैं जिसकी सांद्रता एक मोल है तथा विलयन पर लगने उपस्थित ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। पात्र पर हम एक कांच की नली लगाते हैं जिसके अंदर हम लोग प्लैटिनम की एक तार लटका देते हैं जिसमें आगे प्लैटिनम का एक प्लेट लगा होता है। नली के अंदर एक एटीएम पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने की व्यवस्था होती है। ये हो गया, समझ गए? तो ये हो गई बच्चों संरचना। अब फाइनली मैं आपको बताऊं कैसे किसी दूसरी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। इसका इलेक्ट्रोड विभव जीरो है, मैंने बताया आपको, इसका इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जीरो है। तो कैसे, अब देखो कैसे इलेक्ट्रोड विभव जीरो है वो देखिए। मान लीजिए बच्चों हमने अभी अभी एक कॉपर की रॉड को पीट कर एक रॉड बनाया और कॉपर सल्फेट में भर दिया। अब कॉपर सल्फेट में तो भर दिया, अब हमारे दिमाग में आया कि भैया इसके इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है, तो हमें तो पता नहीं भाई, देखने से तो पता नहीं चलता। तो अब इसी के सापेक्ष हम किसका निर्माण करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना लेंगे। और जब इसको बना लेंगे, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर एक वायर लेंगे, इस वायर से हम इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को और इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले बीच में एक वोल्टमीटर लगा देंगे, और वोल्टमीटर में क्या होती है, सुई होती है, तो जैसे इनको जोड़ेंगे तो हम देखेंगे हमारी सुई जो है वो ऊपर की ओर उठेगी। मान लो जितने ऊपर वो उठेगी तो हम रीडिंग प्राप्त कर लेंगे, और रीडिंग पढ़ने के बाद हम कहेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव इतना है। समझ में आ गई बात है? तो इस प्रकार आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सीखेंगे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।